हे गाइस, अगर आप भी अपने सोलर पैनल का इस्तेमाल करके अपने घर का बिजली बिल जो है एकदम जीरो करना चाहते हो और अपने घर के लिए एक नया सोलर सिस्टम खरीदना चाहते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मात्र 20,000 रुपए खर्च करके ही आप अपने घर के लिए एक बेहतरीन सोलर सिस्टम खरीद सकते हो और अपने घर का बिजली बिल जो है वो 25 सालों तक एकदम 0 रुपए कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मात्र 20,000 रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें हमें सोलर पैनल भी मिल जाएगा, एक बैटरी भी हमें मिल जाएगा और एक बेहतरीन सा इन्वर्टर भी मिल जाएगा, जिससे हमारा सारा लोड जो है, हमारे घर का सारा लोड जो है वो आसानी से हम चला पाएंगे। कितने वाट का हमें सोलर पैनल खरीदना होगा, कितने एम्पियर का हमें बैटरी खरीदना होगा और कितने वाट का हमें यूपीएस खरीदना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने घर पर 4-5 एलईडी बल्ब जलाते हो, एक टीवी चलाते हो, एक डीटीएच चलाते हो और 2 सेलिंग पंखा चलाते हो, तो ये सारा कुछ आप चला पाओगे अपने 20,000 के सोलर सिस्टम से। अगर दोस्तों इससे भी ज्यादा आपका लोड है तो आपका बजट थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि 4-5 एलईडी लाइट, टीवी, डीटीएच और 2 सेलिंग फैन, तो आपका बजट 20,000 बहुत है दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 20,000 में आपको कौन सा सोलर खरीदना होगा। सबसे पहले हम सोलर की बात करें दोस्तों, तो हमें सोलर खरीदना होगा 165 वाट का, जो कि आराम से आपको 5,000 के अप्रोक्स में मिल जाएगा। और ये जो सोलर पैनल जो है आपको ऑनलाइन कभी भी भूल के भी नहीं परचेस करना है, आपको ऑफलाइन ही परचेस करना है। ऑफलाइन जब आप परचेस करोगे तो आपको 32 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको मिलेगा दोस्तों, आपको 5,280 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। ये प्राइस जो है थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 30 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल सकता है या फिर 1-2 रुपए ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आपको एवरेज के तौर पे 5,000 के अप्रोक्स में आपका ये जो सिस्टम है 165 वाट का आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या है दोस्तों, आपको एक बैटरी परचेस करने की जरूरत होगी, जो कि आपको 120 एम्पियर की बैटरी जो है वो खरीदना होगा। तो 120 एम्पियर बैटरी खरीदने के लिए आपको 10,000 से 11,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, तो 10-11,000 आप बैटरी को भी लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पर टोटल हमारा जो प्राइस हो जाता है वो 16,000 रुपए हो जाता है। यहाँ पर 11,000 का हम बैटरी ले लेते हैं और यहाँ पर 5,000 रुपए का हमारा सोलर पैनल हो जाता है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है एक यूपीएस खरीदने की, तो यूपीएस हमें आराम से 3,000 रुपए में यूपीएस मिल जाता है, जो कि 19,000 रुपए हमारा टोटल कॉस्ट हो जाता है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ता है एक डीसी वायर की, तो डीसी वायर आराम से हमें 1,000 रुपए के अंदर में ही मिल जाता है, मतलब हमारा टोटल कॉस्ट हो गया 20,000 रुपए। और 20,000 के अंडर में ही दोस्तों हम ये सारे डिवाइस जो है खरीद सकते हैं और अपने घर का बिजली बिल जो है एकदम जीरो कर सकते हैं। तो जो हमने लोड बताया कि आपके घर में कौन कौन से लोड है, वो अगर दोस्तों सेम लोड आपके घर में है तो आप बिल्कुल इन सारे डिवाइस को खरीद करके अपने घर का लोड जो है वो इस सोलर पैनल से और इस बैटरी से आप चला पाओगे। ठीक है गाइस, तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही सस्ते रेंज में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बताया कि सोलर पैनल कौन सा लगाना चाहिए। आपको चाहे तो जेन सोलर खरीद सकते हो, लुमिनस सोलर भी आराम से आप खरीद सकते हो। और इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको क्लियर सब कुछ बताया हुआ है कि हमने खुद से कैसे इसका कनेक्शन किया हुआ है, और बहुत सिंपल भी है और आप भी अपने घर का कनेक्शन जो है आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।